तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा था, उसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान और लो बजट प्लान। इसका मैं कॉस्ट भी आपके सामने डिफाइन करूंगा कि इस घर को बनवाने में आपको कितना पैसा लगेगा। अगर आप भी एक बेहतरीन सा प्लान चाह रहे हैं, छोटा सा प्लान चाह रहे हैं, लो बजट प्लान चाह रहे हैं, तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, जिससे सारी चीज़ें मैं क्लियर कर सकूं। और आपसे बोलना चाहता हूं कि आपने अगर स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, ऐसे प्लान पाने के लिए तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो आज का मॉडल है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन और लो बजट होने वाला है, जिसमें आपको पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको यहाँ पर बनाया है। तो फ्रंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्रंट में आप देखते हैं बहुत ही छोटा सा पोर्च मैंने दिया है, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने घर का नाम वगैरह डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर प्रजापति भवन लिख दिया है, और आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। और साथ साथ देखते हैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको विंडो देखने को मिलता है, बीच में डोर देखने को मिलता है, पिलर, और इसके बाद आसपास दूसरे क्लोज्ड एरिया आप देख सकते हैं। चारों तरफ से एक क्लोज्ड एरिया है, ऊपर मैंने गुमटी भी बना रखी है स्टेयर्स को ढकने के लिए, इससे प्रॉपर तरीके से आपका बारिश में पानी वगैरह ना जाए, धूप वगैरह ना जाए। तो इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं, जो कि है 24x25 में, अप्रॉक्स आप 25x25 समझ सकते हैं। 625 स्क्वायर फीट में बना है, लेकिन उसमें ये वाला दोस्तों पोर्शन आप मैंने भी कवर किया है 25 फीट में ये वाला ना, तो मतलब कि लगभग आपका 24x20 फीट में बना है, लगभग 500 एरिया कवर्ड किया गया है इस मकान में। तो अगर आप इस मॉडल को पूरा बनवाएंगे तो कॉस्ट कितना लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, उसको हम आगे बताएंगे, वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे आते हैं तो ये देखिएगा, आपको जो ऊपर टावर टाइप के दिख रहे हैं ना, आप उसे इग्नोर करिएगा क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर की चीज़ है। तो यहाँ सबसे स्टेयर से आप अंदर जाते हैं, उससे पहले आपको दो मिलते हैं पिलर, और ये आपको मिलता है एक बेहतरीन सा पोर्च का डिज़ाइन। इसके बाद मेन डोर आपका ये है, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। तो टॉप से मैं आपको दिखाऊंगा, साइड से आप पहले देख सकते हैं पोर्च का डिज़ाइन कितना बाहर निकला हुआ है, पोर्च आप ये देखिएगा कैसे बना हुआ है। इसके बाद जब टॉप से आप देखेंगे ऊपर से, तब आपको घर ऐसा लगेगा। अब टॉप से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंदर एक बड़ा सा बेडरूम, एक ही बेडरूम है, बहुत बड़ा बेडरूम है, जो कि आपके लिए पर्याप्त है। ये दोस्तों इधर आपका किचन एरिया देखने को मिलता है, जिसको वेंटिलेट करने के लिए मैंने बाहर से विंडो दिया है। इसका ये आपका डाइनिंग हॉल, बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है दोस्तों। इधर आपकी स्टेयर केस है, और इसके नीचे लेटरिन बाथ को मैंने कवर्ड किया है। तो एक ही बेडरूम है, और इसमें 24x20 का अप्रॉक्स मकान दोस्तों होने वाला है। 24 आपका इधर से इधर तक है, और 20 आपका ये है, इसका पोर्च का डिज़ाइन अलग है। तो ये पूरा मॉडल ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी होता है, जिसमें कि अंदर से देख सकते हैं तीन बेडरूम अलग अलग, तीन डोर मैंने अलग अलग चीज़ों के लिए दिए हैं, किचन, लेट बाथ, और इसके बाद ये भी आपके एक बेडरूम के तरीके से ही काम करेगा। हालांकि मैंने यहाँ बेडरूम नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो आपको नीचे जगह होना बहुत ही आवश्यक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हॉल के तरीके से। तो ये देखिएगा फ्रंट से अगर हम बात करें मैक्सिमम जूम की, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। साइड से भी आप देखिएगा ऐसा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही नॉर्मल सा प्लान है। अब बात करते हैं कि दोस्तों, अगर आप 2D प्लान को चाहते हैं तो ये कहाँ से आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारी दोस्तों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप हमारे इस प्लान को पाएंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुँचते हैं तो 3 फीट का बाउंड्री वॉल आपको चारों तरफ मिलते हैं। स्टेयर केस को ढकने के लिए मैंने एक गुमटी क्रिएट कर रखी है, देख सकते हैं। और आगे का जो ग्रिल का डिज़ाइन है वो आप देखिएगा कितना खूबसूरत और बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको टावर टाइप के दिख रहे थे, वो मैंने ग्रिल को कम्बाइन करते हुए ग्रिल का लुक बनाने के लिए क्रिएट किए थे, और ये एक ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन सा मॉडल मात्र 24x20 में बनकर रेडी होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉस्ट की, कि इस घर को बनवाने में पैसा कितना लगेगा। तो अगर 20x24 का एरिया है, जैसा कि उन्होंने बताया, तो 480 स्क्वायर फीट बना, मतलब 500 स्क्वायर फीट के आसपास है ना, क्योंकि पोर्च में भी आपको छत डलवाना होगा। अब 500 एरिया में, अब डिपेंड करेगा कि आप किस शहर में रहते हैं, आप कहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ये बताइए आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे हमें आइडिया लग सके कि हमारी वीडियो कौन कौन लोग वॉच करता है। तो आप लोग अपने शहर या अपने ज़िले का या अपने स्टेट का नाम जरूर एक बार हमें कमेंट करिएगा,
और इस मॉडल का जो कॉस्ट आने वाला है वो अलग अलग दोस्तों मटेरियल कॉस्ट वगैरह डिपेंड करता है। ग्रामीण क्षेत्र में बनाएंगे तो कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर लेबर होता है, लेबर सस्ती होती है। अगर आप शहरी क्षेत्र जैसे NCR वगैरह एरिया में बनाएंगे तो वहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो अप्रॉक्स में मोटा मोटी बात करें तो इस मॉडल को बनाने में 5 लाख रुपये तक का आपका खर्च हो जाएगा, जो कि आपका प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग भी 5 लाख में हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी आप पैसा लगा सकते हैं, जितना चाहे मकान में पैसा उतना लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप फर्श कैसी बनवा रहे हैं, आप दीवारें कैसी बनवा रहे हैं, मतलब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति अगर इस मॉडल को बनवाना चाह रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जो कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें चैट करिएगा, मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या यही मॉडल मैं बनाकर आपको दूंगा। और कोई भी अगर मॉडल ये बनाए, सपोज दैट मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है फिर भी बनाए, तो बनने के बाद कैसा दिखता है उसका हमें फोटो ज़रूर भेजिएगा। फोटो आप कहाँ पर भेजेंगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। जो वीडियो आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप फोटो भेजिए अगर इस मॉडल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो। और कोई भी डिटेल के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, वेबसाइट पर विजिट करिएगा, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये मॉडल आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।